अभी तक आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी पहेलियां सॉल्व करी होंगी, लेकिन आज जो पहेली मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कर देते हो इसको सॉल्व तो आपको मिल सकते हैं करीबन 2 मिलियन US डॉलर से लेकर 5 मिलियन US डॉलर की वर्थ का ट्रेजर चेस्ट, एक खजाने का एक बक्सा आपको मिल सकता है अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो, क्योंकि इस खजाने की लोकेशन इसी पहेली के अंदर मौजूद है जो कि बताई थी फॉरेस्ट फैन ने, और ये खजाना भी इन्होंने ही छुपाया था। क्यों छुपाया था उसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन इतना बता दूं कि इस पहेली को सॉल्व करने में दुनिया भर के ट्रेजर हंटर लगे हुए हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर आप सॉल्व कर देते हो और समझ लेते हो इस पहेली को तो ये खजाना शायद आपका हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको, आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। फॉरेस्ट फिन पहले US एयर फोर्स के पायलट हुआ करते थे, जहां पर इन्होंने करीबन 300 से ज्यादा मिशंस को कंप्लीट किया, और इसी के साथ साथ वियतनाम वॉर में भी हिस्सा लिया था, जहां पर इनको सिल्वर स्टार का अवार्ड भी दिया गया था। जब इन्होंने रिटायरमेंट ली तो ये बन गए थे एंटीक कलेक्टर, जहां पर ये एंटीक चीजों की कलेक्शन किया करते थे, और वहीं पर इनको मिला था एक ट्रेजर चेस्ट जो कि बहुत ही कीमती था, क्योंकि जब इन्होंने वो खोला तो उसके अंदर सोने की अशर्फियां और काफी सारी महंगी चीजें थी। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारी कीमती चीजों की कलेक्शन करी, जिसके बाद में एक वक्त यह आया कि इनको मालूम चला कि इनको कैंसर हो चुका है, और कैंसर होने के बाद में इनको लगा कि अब ये ज्यादा जीने नहीं वाले हैं, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि जितनी भी कीमती चीजें मेरे पास हैं उनको मुझे छुपा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैंक में रखते तो वो बैंक वालों का हो जाता है इनके मरने के बाद में, और अगर घर पर रखते तो जो भी इनके घर पर आता वो उनका हो जाता, ये किसी को नहीं देने वाले थे, तो इन्होंने कहा कि इसको अब मुझे छुपा देना चाहिए। तो इन्होंने इस खजाने को रॉकी माउंटेंस के आसपास छुपा दिया। इन्होंने छुपाया था ये खजाना करीबन 1988 में, जब इनकी उम्र करीबन 55-56 साल रही होगी, और जब इनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ ये बिल्कुल ठीक हो गए धीरे धीरे, जिसके बाद में आज भी ये जिंदा हैं। और इसी के साथ साथ एक वक्त में इन्होंने रिवील भी कर दिया था कि मैंने एक ट्रेजर चेस्ट छुपा रखा है रॉकी माउंटेंस पे, जहां पर इनसे काफ़ी डिमांड की गई कि कुछ क्लू तो दो, जिसके बाद में इन्होंने 2010 में एक क्लू दिया एक पहेली के जरिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। बिगिन इट वेयर वार्म वाटर्स हेल्ड एंड टेक इट इन द कैनियन डाउन, नॉट फार बट टू फार टू वॉक, पुट इन बिलो द होम ऑफ ब्राउन। तो इस तरीके की ये पहेली है जो कि दुनिया भर के ट्रेजर हंटर सॉल्व करने में लगे हुए, अगर आपके समझ में आई हो तो आप भी शायद इसको सॉल्व करने में लग जाओ, और जिससे आपको रॉकी माउंटेन्स में मिल जाए ये 2 मिलियन से लेकर 5 मिलियन की वर्थ का ट्रेजर चेस्ट। तो अगर जिनको समझ नहीं आई है उनको मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ पर गर्म पानी रुकता है, इसके बाद में वो घाटी में चला जाता है जो कि दूर नहीं है, लेकिन दूर है तब जब आप पैदल चलते हुए जाते हो, और ब्राउन के घर के नीचे है ये खजाना। तो इस तरीके की ये पहेली अगर आपकी समझ में आई तो सॉल्व करने में लग जाओ। रॉकी माउंटेन्स की ये जगह है जहाँ पर ये ट्रेजर चेस्ट छुपाया गया है, जिसको ढूंढने के लिए दुनिया भर के लोगों ने इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी से भी सॉल्व नहीं हो पाई है, और कई लोग तो फ्रस्ट्रेट होके सीधा फॉरेस्ट फिन को जान से मारने तक की धमकियां दे दी कि अगर तूने हमें इस लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो हम तुझे जान से मार देंगे, जिसके बाद में ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया गया, और इसी के साथ साथ करीबन 4 लोगों की जान भी जा चुकी है इस ट्रेजर चेस्ट को ढूंढने में, क्योंकि वो कुछ एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे, और इसी के साथ साथ जगह भूल गए थे, मतलब वापस अपनी लोकेशन पर ही नहीं आ पाए क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी, और एक बंदा नदी में डूब गया। तो इस तरीके की घटना भी यहाँ पर हो चुकी है इस चेस्ट को ढूंढने के चक्कर में, और जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई गई कि ये किस तरीके से मरे, तो ये कोई प्रोफेशनल नहीं थे, ये ट्रेन नहीं थे, ये पहले से तैयार नहीं थे, इनको लगा होगा एक दिन का काम होगा, जिसकी वजह से सीधा जंगलों में घुस गए, और वहाँ पर घुसने के बाद में इनको वापस निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर ही नहीं पाए इन जगहों को। तो फिलहाल के लिए ये कुछ जगह मैंने जो आपको अभी तक बताई है वो कुछ इसी तरीके की है, जहाँ पर ये कहा गया है कि गर्म पानी जहाँ पर रुकता है और उसके बाद में सीधा घाटी में चला जाता है, मतलब गर्म पानी जहाँ पर बनता है और घाटी में जाता है, ऐसा कुछ है, उसके बाद में ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल चलने पर दूर है, और ब्राउन के घर के आसपास है, मतलब ब्राउन वहाँ पे ब्राउन बियर रहते हैं, वहाँ पे वो जो लोकेशन है रॉकी माउंटेन वहाँ पे ब्राउन बियर्स रहते हैं। सो बेसिकली क्या है कि वहाँ पर भूरे भालू रहते हैं, तो शायद इसी को ब्राउन कहा गया।
भूरा भालू, उसका घर, उसके घर के नीचे मैंने जगह ढूंढ ली है। मैं होके आता हूँ, आप यहीं रहो, वीजा लगवा दे।